कैसी है बेटा? माता रानी दा लख लख शुक्र, तू ठीक हो गया। आजा बैठ। होली दी वधाइयां तनु। महिषी ये लीजिए, गरम गरम जलेबी आपके लिए। मैं खुद खाऊंगा। आप क्यों खाएंगी? मम्मी खाएगी। हैप्पी होली महिषी। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। मैं आपको खिलाती हूँ। नहीं नहीं, मैं खिलाता हूँ आपको। आई एम श्योर अब यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं पहचानेगा। जब ये लोग होली खेलने में बिल्कुल बिजी हो जाएंगे ना, तभी ठीक मौका देखकर मैं ये इंजेक्शन लगा दूंगी। शायद उसे लगेगा किसी चींटी ने काट लिया है, और जब तक सबको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आई जस्ट विश वहां पर शोलिन पृथ्वी को संभाल ले, दैट्स इट। हैप्पी होली भाई। हैप्पी होली बहन। पृथ्वी समझता क्यों नहीं है ये लोग इसके साथ खेल खेल रहे हैं? इसके पास दिमाग नहीं है क्या? इसे समझ में नहीं आता कि आज होली है और वो लूथरा हाउस में। अगर इन लूथरास में से कोई भी उसे ठंडाई पिलाने की कोशिश कर रहा है तो जरूर उसमें भांग मिली होगी। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं जिससे इसका नशा उतर जाए? Yes, I got the idea. माहिरा, पृथ्वी को सच बोलने से रोकने का एक ही तरीका है। अब मैं इसे नशे उतारने का इंजेक्शन देने वाली हूँ, जिसे देने के बाद ये होश में आ भी गया तो इसके सर से भांग का नशा उतर चुका होगा, फिर ये सच नहीं बोलेगा। पृथ्वी को इंजेक्शन देना मेरा काम है, तुम वहाँ महेश लूथरा को जहरीला इंजेक्शन दिए बिना वहाँ से मत निकलना, क्योंकि होली के भीड़ भाड़ में इंजेक्शन दोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, होली के शोरकुल में महेश लूथरा को इंजेक्शन देना बहुत आसान होगा। दी, मुझे तो लगता है कि ये सही में बेहोश हो गया है। वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसको भांग का कुछ एक्स्ट्रा ही डोज दे दिया, तो इसके लिए ये ऐसे ही सोया पड़ा ना, होश में नहीं आएगा, इसे उठाना पड़ेगा। अरे उठाएंगे कैसे? उठा दो। नहीं पुन्नू बेबी, अगर तुम होश में भी आ गए तो आंखें मत खोलना। पर वो प्रीता, सृष्टि, सैम सबको बुलाना। भाई खुशी का मौका है, पूरा परिवार साथ में है, थोड़ा नाचना गाना भी हो जाए। हैं, मैं भी नाचूंगा आज। हाँ भाई, इनफैक्ट बहुत टाइम हो गया आपको डांस करते हुए नहीं देखा। आप डांस कीजिए, हम सब भी आप ही के साथ डांस करेंगे। क्यों बेटा? मैं बुला कर लाता हूँ मम्मी से ना, हम धर्मेंद्र बाजी वाला डांस कराएंगे आज। चल कुत्ता। कुत्ता कितने दिन बाद गया है। हंसो, जितना हंसना है हंस लो, आज के बाद तो सिर्फ रोना ही है। आंसुओं का डोनेशन भी मैं दूंगी और स्पॉन्सर भी मैं ही करूंगी। तुम हटो, तुम हटो, बहुत भारी है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, दोनों इधर आओ। अपने उठा पाओगे ऐसे? मैं बात करती हूँ। अच्छा बात करो। पृथ्वी, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मैं प्रीता हूँ, प्रीता। ओह गॉड,
ये प्रीता तो अपना प्रेम जाल बिछा रही है, पुन्नु बेबी की दुखती रग पर हाथ रख रही, लेकिन प्रीता पृथ्वी बेहोश है। चाहे तुम प्रीता जी बनो या गीता जी, यह अब होश में नहीं आने वाला। तूने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने तुझे पहचान लिया। महेश लूथरा? हाँ, महेश लूथरा। अब मुझे समझ में आया कि पृथ्वी मल्होत्रा कौन है, कि तू पृथ्वी का भाई है। अब तक मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मैं जानता हूं। अच्छा हुआ जो मैंने पृथ्वी, मायरा और शर्लिन का राज इस घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बताता तो वो अधूरा होता, और अब उन्हें पूरी सच्चाई मालूम होगी। अंकल आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो आपका शुभचिंतक हूँ। शुभचिंतक? बकवास बंद करो, मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। पृथ्वी के भाई हो ना तुम, सगे भाई? ये बात मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन अब जानता हूँ। और अब मैं ये भी जान चुका हूँ कि पृथ्वी इस घर में क्यों आया है। ये बात ऋषभ को नहीं पता, तभी मैं कहूं कि इतने सालों में ऋषभ जब भी पृथ्वी को देखता था तो उसे हमेशा ऐसा क्यों लगता था कि उसने पृथ्वी को पहले कहीं देखा है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो तेरा भाई है, पवन का भाई। लेकिन अब मैं ये सच्चाई ऋषभ को और पूरे परिवार को बताऊंगा, और अब बताऊंगा उसे सब समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी यहां क्यों है और तुम यहां क्यों हो। सबको बताऊंगा, सबको, सबको। पवन महेश अंकल के पीछे क्यों जा रहा है? सबसे पहले जाके कपड़े बदलती हूँ, थोड़ा सा रंग हटाती हूँ, फिर जाके शर्लिन को बताती हूँ पवन आया है। पवन महेश अंकल को जानता है? महेश अंकल पवन को जानते हैं? ये चल क्या रहा है यहाँ पे? पृथ्वी नहीं जीते तो मैं किसी को जीतने नहीं दूंगी। इस घर को और इस घर के लोगों को जलाकर राख कर दूंगी, इस घर को शमशान घाट बना दूंगी। किससे बदला लेने के लिए आप कृतिका से शादी कर रहे हैं? मैं को मां पर बेबी तू छोटे है। शर्लिन प्लीज, ये क्या कर रही हो तुम? घर में आग लगा दूंगी क्या? छोड़ो इसे, संभालो अपने। दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं क्या कर रही हूँ? क्यों उतरा उसको चला के लाभ कर दूंगी? शर्लिन प्लीज होश में आओ, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हारी बात सुनो? कितने को समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर क्या हो रहा है? तीन नशे की हालत में वो सच उगल देगा, हमारा खेल खत्म हो जाएगा। उससे पहले हम इस घर को जला के राख कर देते हैं। सब कुछ करण पीता सृष्टि समीर सब पृथ्वी को घेर के खड़े, उससे सच उगलवाने की कोशिश कर रहे। उसने अभी कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन वो एक एक शब्द बोलकर सब कुछ बता देगा। बहुत स्मार्ट है, एक एक कड़ी जोड़ लेंगे, सब कुछ समझ जाएंगे। देखो हमें बर्बाद करें, उससे पहले हम उनको खत्म कर देते। बाकी बच्ची कुल्ची कर सकते तो वो महेश लोता पूरी कर देगा।
समझ क्यों नहीं रही हो? क्या समझा रही हो तुम्हें? क्या पागलों जैसी हरकतें कर रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? पृथ्वी मल्होत्रा जो खुद को इतना स्मार्ट मास्टरमाइंड कहता है, वो सबसे बड़ा खोटा सिक्का निकला हमारा। वो हमारी कब्र खोद रहा है और महेश लोथरा उसमें हमें धक्का मार के सब कुछ खत्म कर देगा। We have to burn this house. जिस चट्टान समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या कह रही हूँ तब से? क्या कर रही हो? घर पे थोड़ी चला सकती हो तुम? चलेंगे साथ सुरु। तुम चैंपियन हो, तुम मास्टर माइंड हो, तुम बहुत शार्प हो। छोटी सी बात से कैसे डर गए? क्या क्या हुआ है? सच बोल रहा है ना? कौन सा सच? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा उन लोगों को। काश ऑनलाइन नहीं आया है अभी तक। तुम क्यों नहीं मेरी बात सुन रही? सुनो ना, सुनो, हम गए थे ना महेश अंकल को मारने के लिए, हम मार देते, डर गए तो उस समय। मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, इस सब के चक्कर में हम पवन को कैसे भूल गए? पवन क्यों? प्लीज पवन का नाम भी मत लेना यहाँ। शालिन कह रही हो नाम मत लेना? पवन आ चुका है। कौन सा राज है? कौन है जो हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है? बताना, रेस्ट इनको लेकर जाइए। चाचा जी तुम बताओ मुझे। मैं बताता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। देखिए मैं समझाता हूँ, इनको जिसने भी जो दवाई दी थी उसने अपना चमत्कार तो कर दिया, आई वुड से मैजिक, लेकिन उस दवाई से कोमा से तो बाहर आ गए पर कुछ साइड इफेक्ट छोड़ गए, ये बातें भूलने लगे हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इनकी याददाश्त चली गई, कुछ जो ये कहेंगे या कुछ जो सुनेंगे ये इनकी यादों में तो रहेगा पर कभी भी ये आगे भूल सकते हैं। डोंट वरी, ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। हेलो, एसीपी विजय बिंद्रा स्पीकिंग। बोलिए। घर के सभी लोग घर पर ही है ना? है। तो एक काम कीजिए, मेरे फोन को स्पीकर पे डालिए। एक मिनट, डाल दिया। हेलो एवरीवन, एसीबी विजय बिंद्रा स्पीकिंग। मैंने आप सबको होली की बधाई देने के लिए फोन किया है। हैप्पी होली। देखिए सिर्फ बधाई ले देकर ही खुश मत हो जाइएगा, खुजिया भी खाइएगा, लेकिन घर से बाहर मत निकलिएगा। क्या है ना कि आजकल रंगों में बहुत ज्यादा केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, और अगर ये रंग नाक कान या आंख में चले जाए तो जानलेवा साबित हो सकते हैं। सो स्टे एट होम एंड बी सेफ। इसे एक पुलिस वाले की वार्निंग मत समझिएगा, बल्कि इंसानियत के नाते मशवरा दे रहा हूं। एक्चुअली बात कुछ और है, हम ना कातिल की शिनाख्त करने जा रहे हैं और हम नहीं चाहते कि आइडेंटिफिकेशन परेड या अरेस्ट करने के लिए हम आपके घर आए और घर पर कोई मिले ही ना। क्योंकि मेरा तो एक ही उसूल है, पुलिस आ गई, मुजरिम हाजिर हो। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा हूँ, त्योहार का टाइम है, मजाक तो बनता है ना। मैंने सचमुच आप सबको होली विश करने के लिए ही फोन किया है। हैप्पी होली वंस अगेन, एंजॉय योरसेल्फ। ये आदमी पागल हो गया है, इसकी बातों में मत आइए, डैड को देखते हैं।
क्या कर रहा है पवन? भाई आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं माँ ने बताया आप यहाँ पे हो तो मैं बिना कुछ सोचे समझे चलाया। और भाई आज होली भी थी, मुझे आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा। हैप्पी होली भाई। ऐसे नहीं भाई, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अच्छा सुन, तेरी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मुझे महेश लूथा के बारे में तुझे पहले ही बता देना चाहिए था, पर मेरे माइंड से स्किप हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि एंड मोमेंट वो सब भूल गया, वरना आज हम बुरी तरह से फंस जाते। हाँ लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं उसके बारे में? आपको याद है ना बरसों पहले क्या हुआ था? सब याद है, बरसों पहले जो भी हुआ था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। पर मैं चाहता हूं कि तू सब कुछ भूल जा। मैं नहीं चाहता कि तू उस तर्क में जिए, तू भूल जा सब कुछ। उन्होंने तेरे साथ और शर्लिन के साथ जो भी किया था ना, मुझे अच्छे से याद है। देख पवन, तू मेरी जान है, तुझे बचाने के लिए ना मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तेरा यहाँ रहना सेफ नहीं है, ओके? और रही बात इन लूथर्स की, दोनों ने तुझे और शर्लिन को जो तकलीफ दी थी ना, उसका बदला लूंगा मैं उनसे। खून के आंसू रुलाऊंगा उनको मैं, उनको रोड पे लाऊंगा, उन्हें बर्बाद कर दूंगा। ये मेरा पृथ्वी मल्होत्रा का वादा है, तेरे भाई का वादा है तुझसे। पर तू तू वो सारी बातें भूल जा, इन लूथरस को मैं हैंडल कर लूंगा। इनकी बैंड ना बजा दी तो मेरा नाम भी पृथ्वी मल्होत्रा नहीं, ओके? तू जा यहां से, जा। सीसीटीवी रूम तो पीछे रहेंगे, यहां पे आके खाले जा रहा। ये सब कुछ डॉक तो नहीं हो गया? आई थिंक सो। तू इसके पीछे जा, मैं ये रूम देखती हूँ। क्यों, पैसे देके मुझसे क्या लेना है आपको? सीसीटीवी फुटेज, मैं चाहती हूँ कि तुम पिछले 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दो। क्या कर रहे हो तुम? डिलीट करता हूँ, तुम्हें ना पुलिस को देता हूँ, वो तुमको डिलीट करेगी। ये अलार्म जरूर कोई गड़बड़ हो गई है। अलार्म, जल्दी चलो, लगता है खूनी हमसे पहले वहां पहुंच गया। जल्दी आओ। ओ, ओ, पृथ्वी। अरे आपकी दोस्त कहां गई? पागल हो गए क्या तुम? देखो मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जान की धमकी मत दो, और मैं ना किसी से नहीं डरता। और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ बैठकर टाइम पास कर रहा हूँ कि कोई भी खरीदने आएगा और मैं बिक जाऊंगा? और एक बात ना मैं समझ गया हूँ कि तुम 3 दिन की फुटेज क्यों डिलीट कराना चाहती हो। तुम्हारा अक्षय के खून से कुछ लेना देना है? कहीं तुमने ही तो उसका खून नहीं किया? पुलिस बुरके में? हाँ, ये अलार्म क्यों बज रहा है? मैंने अलार्म बजाया था। विंडो, यहां से भाग जाता हूं, लेकिन भाग गया तो फुटेज कैसे डिलीट करूंगा? यही मौका है पृथ्वी, गुड चांस, फुटेज डिलीट करके जाए यहां से। से किसी भी एक दिन की फुटेज नहीं है, लगता है किसी ने ऑलरेडी डिलीट कर दी। अब यहां से चलते हैं। कहां है वॉरेन?
अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे यही तो थी, और साथ में वो बुरके में पुलिस भी थी जिसे आप लोगों ने भेजा था। पुलिस वाली? अरे हमने किसी पुलिस पुलिस को नहीं भेजा, हम तो खुद अभी आ रहे हैं यहाँ। अच्छा ये बताओ वो दोनों औरतें दिखने में कैसी थी, मतलब वो कुछ हुलिया वगैरह उनका कुछ याद है? वो जो पहली औरत आई थी ना, उसने पिंक कलर का सूट पहन के रखा था और दुपट्टे से चेहरे को कवर करके रखा था, इस वजह से मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। वो मुझे पैसे दे रही थी 3 दिन की CCTV फुटेज डिलीट करने के लिए। ओ, दो औरतें थी, मतलब एक सूट में जिसे फुटेज डिलीट करनी थी और दूसरी बुरके में जिसे तुमने पुलिस वाले समझा, राइट? और तुमने दोनों के चेहरे नहीं देखे? हाँ साहब, दो लड़की आई थी, बोली मुझे CCTV रूम में जाना है। एक तो बोली मैं इसी होटल का इंचार्ज हूँ, उसके साथ दूसरी औरत भी थी साहब। मुझे कुछ गड़बड़ लगा साहब, फिर मैंने उसे झूठ बोलकर दूसरी रूम की तरफ ले गया। मैंने पीछे पलट के देखा तो दूसरी वाली औरत गायब थी, शायद वही आई होगी यहाँ। कॉन्स्टेबल हाजी सर, एक काम करो, पूरा होटल छान मारो, क्योंकि जितने लोग यहाँ आए होंगे वो अभी तक सब बाहर नहीं गए होंगे और वो दोनों भी यहीं के छुपे होंगे। जाओ जल्दी से सबको बाहर निकालो। क्या हुआ? पिछले 3 दिनों की CCTV फुटेज ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। हाँ मतलब मैंने कोई भी डेट पिछले 3 दिनों में से डाली तो वो फुटेज वहां थी ही नहीं, मतलब जो काम हम यहाँ करने आए हैं वो ऑलरेडी कोई कर चुका है। भाभी अगर किसी ने वो फुटेज डिलीट की भी है तो अच्छा है ना, हम लोग बच गए। अब वो फुटेज नहीं होगी तो हमारे खिलाफ भी ऐसा कोई सबूत नहीं लगेगा ना। हम एक काम करते हैं, अभी फिलहाल के लिए यहाँ से जाते हैं, ओके? इट्स नॉट सेफ। हाँ ओके चल। चलना। भाभी भाभी मुझे लगता है कि मैंने शॉलिन को देखा है। ये शॉलिन? हाँ एक मिनट, कहाँ जा रही हो? वो मुझे कुछ जरूरी काम है उसके लिए जा रही थी। एक मिनट, कैसा काम? कुछ है, इतने काम है, तुम्ही ने तो कहा होली है तो। अच्छा जी, अरे मुझसे भी जरूरी काम है। नहीं तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरे कहने का मतलब, मतलब है कि... मैं समझ गया, मैं होली पे तुम्हें अकेला छोड़ के गया, नहीं जाना चाहिए था। कितना मिस किया होगा ना तुमने मुझे। ऐसी भी कोई बात नहीं। अच्छा जी, कैसी बात है फिर? वैसे एक बात है, तुमने मुझे होली नहीं विश किया। होली नहीं विश किया? रंग तो लगाया था कितना। रंग वाली होली? किसी वाली? हटो, कोई किसी बीच नहीं। अब मैंने कहा ना मुझे इम्पोर्टेंट काम है। ओके, किसी नहीं तो एटलीस्ट एक हगी। अच्छा किसी नहीं तो हगी। ये क्या मजाक है, ये भी कोई बार्गेन होता है? मिस्टर करण दूसरा, तुम बिगड़ते जा रहे हो, अभी हाथ दो मेरे साथ। मैं जाने नहीं दूंगा, आई नीड अ हग। प्लीज यार आज होली है, कम ऑन, मैंने कुछ ये भी नहीं कही, प्लीज। अरे यार गिरीश, गिरीश। करीना दी क्या बात है, कुछ काम था आपको, मुझे बताइए। भाभी सोचा होली की सेलिब्रेशन तो खत्म हो गई है, मैंने सोचा गिरीश को बुलवा के यहाँ ये सारे रंग साफ करवा दूं। बस यहीं कहीं होगा वो। कृतिका तुम? प्रीता कहाँ है? भाभी आई थिंक भाभी अपने रूम में होगी, बुला के लाऊं? नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, दरअसल काफी वक्त हो गया मैंने तुम्हें, प्रीता को, शर्लिन को, पृथ्वी को कहीं देखा नहीं, तो सोच रही थी सब बच्चे अचानक कहाँ से गायब हो गए। हाँ कृतिका कहाँ थी तू, बहुत देर से नजर नहीं आई। वो भाभी के साथ होली खेल रही थी बैकयार्ड में तो। तुम झूठ बोल रहे हो कृतिका, तुम घर पर नहीं, तुम होटल में थी,
मैंने देखा था वहां तुम्हें। कैन आई हैव सम कॉफी? अगर झूठी नहीं हो, फ्रेश हो तो अब आई वुड लाइक टू हैव अ कॉफी। कैन आई? या श्योर। क्या बात है, घर पे काफी कम लोग दिख रहे हैं, सब है ना? आई मीन कहीं ऐसा तो नहीं आउट ऑफ टाउन या किसी फ्रेंड के घर या फिर कहीं और गए हो? एसीपी साहब, सब लोग घर पे ही हैं। दैट्स गुड। तो मेरे पास आप सबके लिए दो इन्फॉर्मेशन है। पहली कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई और लेट होने का रीजन बहुत कॉमन सा है, जीप का टायर पंचर हो गया था। नॉर्मली तो मुजरिम धोखा देते हैं, लेकिन आज कमबख्त टायर ने धोखा दे दिया, तो ऑलमोस्ट एक घंटा लेट हूं। और दूसरी इन्फॉर्मेशन इसी से रिलेटेड है। मेरे देर से आने की वजह किसी के लिए खुली हवा में सांस लेने की वजह बन गई। मेरे एक घंटे ने किसी को एक घंटा और होली खेलने का मौका दे दिया। पर अब वक्त खत्म। एसीपी, आपकी यहां आने की वजह? कानून बेवजह कहीं नहीं जाता, जहां भी जाता है जुर्म को फॉलो करते हुए जाता है। तो ऑब्वियसली मैं यहां आया हूं उस खूनी के लिए जिसने अक्षय का खून किया है। वैसे करण लूथरा कहां है? आप लोग घबराइए मत, मैं ये नहीं कह रहा कि करण लूथरा ने खून किया, नॉट एट ऑल। लेकिन मुझे करण लूथरा यहां चाहिए, पर प्लीज उन्हें यहां बुलाइए, क्योंकि मुझे आप सबको एक शॉकिंग न्यूज देनी है। वैसे तो सबके लिए शॉकिंग है, लेकिन करण और उनकी वाइफ के लिए कुछ ज्यादा ही शॉकिंग। बुलाइए उन्हें। हैं या फिर आउट ऑफ टाउन चले गए? एसीपी साहब, हम ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे। करण और प्रीता दोनों घर पे ही हैं। मायरा, करण और प्रीता अपने कमरे में हैं। उन्हें कहो जल्दी से नीचे आ जाए। ये किस तरह का एटीट्यूड है आपका? आपको मेरा एटीट्यूड अच्छा लगे, इसके लिए सरकार ने मुझे नहीं रखा है। वैसे रिकॉर्ड के हिसाब से मैं काफी अच्छा काम करता हूँ, और एंड ऑफ द डे काम बोलता है, चाहे वो पुलिस का हो या फिर चोर का, काम दिखता है। खून भी हुआ है, खूनी भी यहाँ है। कांस्टेबल, हथकड़ी निकालो, खूनी को अरेस्ट करना है।